Excellencies, ladies and gentlemen, may I now invite our Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji, our chief guest for this special inaugural session of CII on its 125th year, to give his inaugural address. Namaste ji. Thank you, Vikram ji. Namaste. सबसे पहले तो सीआईआई को 125 साल सफलतापूर्वक पूर्ण करने के लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई, कांग्रेचुलेशंस। इस 125 साल की यात्रा बहुत लंबी होती है, अनेक पड़ाव आए होंगे, अनेक उतार चढ़ाव आए होंगे, लेकिन 125 साल तक एक संगठन को चलाना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। उसमें समयानुकूल परिवर्तन आए हैं, व्यवस्थाएं बदली है, और पहले तो मैं इन 125 साल में सीआईआई को मजबूती देने में जिन जिन लोगों ने योगदान दिया है, वैसे सभी पूर्व के आपके महानुभावों को भी इस समय बधाई दूंगा। जो हमारे बीच नहीं होंगे उनको आदर पूर्वक नमन करूंगा, और भविष्य में इससे जो संभालने वाले हैं उनको अनेक अनेक शुभकामनाएं भी देता हूं। कोरोना के इस टाइम पीरियड में इस तरह के ऑनलाइन इवेंट्स शायद यही एक न्यू नॉर्मल बनते जा रहा है, लेकिन यह भी इंसान की सबसे बड़ी ताकत होती है कि वो हर मुश्किल से बाहर निकलने का रास्ता बना ही लेता है। आज भी हमें जहां एक तरफ इस वायरस से लड़ने के लिए सख्त कदम उठाने हैं, वहीं दूसरी तरफ इकोनॉमी का भी ध्यान रखना है। हमें एक तरफ देशवासियों का जीवन भी बचाना है तो दूसरी तरफ देश की अर्थव्यवस्था को भी स्टेबिलाइज करना है, स्पीड अप करना है। इस सिचुएशन में आपने गेटिंग ग्रोथ बैक इस बात को प्राथमिकता दी है, और निश्चित तौर पर इसके लिए आप सभी भारतीय उद्योग जगत के लोग बधाई के पात्र हैं। बल्कि मैं तो गेटिंग ग्रोथ बैक से आगे बढ़कर ये भी कहूंगा कि यस यस वी विल डेफिनेटली गेट अवर ग्रोथ बैक। आप लोगों में से कुछ लोग सोच सकते हैं कि संकट की इस घड़ी में मैं इतने कॉन्फिडेंस से ये कैसे बोल सकता हूं। मेरे इस कॉन्फिडेंस के कई कारण हैं। मुझे भारत की कैपेबिलिटीज और क्राइसिस मैनेजमेंट पर बहुत भरोसा है। मुझे भारत के इनोवेशन और इंटेलेक्ट पर भरोसा है। मुझे भारत के फार्मर्स, एसएमईज, एंटरप्रेन्योर्स पर भरोसा है, और मुझे भरोसा है इंडस्ट्री के लीडर्स पर, आप सभी पर। इसलिए मैं कह रहा हूं यस वी विल गेट आवर ग्रोथ बैक, इंडिया विल गेट इट्स ग्रोथ बैक। साथियों, कोरोना ने हमारी स्पीड जितनी भी धीमी की हो, लेकिन आज देश की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि भारत लॉकडाउन को पीछे छोड़कर
अनलॉक फेज वन में एंटर कर चुका है। अनलॉक फेज वन में इकोनॉमी का बहुत बड़ा हिस्सा खुल चुका है, काफी हिस्सा अभी 8 जून के बाद और खुलने जा रहा है। यानी गेटिंग ग्रोथ बैक की शुरुआत तो एक प्रकार से हो चुकी है। आज ये सब हम इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि जब दुनिया में कोरोना वायरस पैर फैला रहा था तो भारत ने सही समय पर सही तरीके से सही कदम उठाए। दुनिया के तमाम देशों से तुलना करें तो आज हमें पता चलता है कि भारत में लॉकडाउन का कितना व्यापक प्रभाव रहा है। इस लॉकडाउन में भारत ने कोरोना से लड़ाई के लिए फिजिकल रिसोर्सेज को तैयार तो किया ही, हमने ह्यूमन रिसोर्स को भी बचाने का भरसक प्रयास किया है। ऐसे में अब सवाल यह है कि इसके आगे क्या है? इंडस्ट्री लीडर्स के नाते आपके मन में यह सवाल जरूर होगा कि अब सरकार क्या करने जा रही है। आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत अभियान के बारे में भी मुझे पक्का विश्वास है कि आपके मन में भी मंथन चलता होगा, कुछ सवाल भी होंगे और ये बहुत स्वाभाविक है, ऑब्वियस है। साथियों, कोरोना के खिलाफ इकोनॉमी को फिर से मजबूत करना ये हमारी हाईएस्ट प्रायोरिटीज में से एक प्रमुख प्रायोरिटी है। इसके लिए सरकार जो डिसीजंस अभी तुरंत लेने जरूरी है वो तो एक के बाद एक ले ही रही है, लेकिन साथ साथ में ऐसे भी फैसले लिए गए हैं जो लॉन्ग रन में देश की मदद करेंगे। साथियों, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना ने गरीबों को तुरंत लाभ देने में बहुत मदद की है। इस योजना के तहत करीब 74 करोड़ बेनिफिशियरीज उनके घर तक राशन पहुंचाया जा चुका है। प्रवासी श्रमिकों के लिए भी फ्री राशन पहुंचाया जा रहा है। इसके अलावा अभी तक गरीब परिवारों को 53,000 करोड़ रुपीस यानी 53,000 करोड़ रुपये से ज्यादा की फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जा चुकी है। महिलाएं हो, दिव्यांग हो, बुजुर्ग हो, श्रमिक हो, हर किसी को इससे लाभ मिला है। लॉकडाउन के दौरान सरकार ने गरीबों को 8 करोड़ से ज्यादा गैस सिलेंडर उनके घर तक मुफ्त में पहुंचा दिया है। इतना ही नहीं, प्राइवेट सेक्टर्स के करीब 50 लाख एम्प्लॉयज के खाते में 24% ईपीएफ कंट्रीब्यूशन भी सरकार ने किया है। इनके खाते में करीब 800 करोड़ रुपए जमा कराए गए हैं। साथियों, भारत को फिर से तेज विकास के पथ पर लाने के लिए, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए 5 बातें बहुत आवश्यक है। इंटेंट, इंक्लूजन, इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और इनोवेशन।
हाल में जो बोल्ड फैसले लिए गए हैं उसमें भी आपको इन सभी की झलक मिल जाएगी। इन फैसलों के साथ हमने तमाम सेक्टर्स को फ्यूचर रेडी किया है। इसी वजह से आज भारत एक नए ग्रोथ ओरिएंटेड फ्यूचर की दिशा में बड़ी उड़ान के लिए तैयार है। साथियों, हमारे लिए रिफॉर्म्स ये कोई रैंडम या स्कैटर्ड डिसीजन नहीं रहे हैं। हमारे लिए रिफॉर्म्स सिस्टमैटिक, प्लान, इंटीग्रेटेड, इंटरकनेक्टेड और फ्यूचरिस्टिक प्रोसेस है। हमारे लिए रिफॉर्म्स का मतलब है फैसले लेने का साहस करना और उन्हें लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाना। आईबीसी हो, बैंक मर्जर हो, जीएसटी हो, फेसलेस इनकम टैक्स असेसमेंट की व्यवस्था हो, हमने हमेशा व्यवस्थाओं में सरकार के दखल को कम करने, और मैंने तो लाल किले पर भी कहा था कि लोगों से जिंदगी से सरकार को जितना हम कम कर सकते हैं हम करना चाहते हैं। प्राइवेट एंटरप्राइज के लिए एनकरेजिंग इकोसिस्टम खड़ा करने पर हम लगातार बल देते रहे हैं, कदम उठाते रहे हैं। इसी वजह से सरकार आज ऐसे पॉलिसी रिफॉर्म्स भी कर रही है जिनकी देश ने एक प्रकार से उम्मीद भी छोड़ दी थी। लोगों ने मान लिया था भाई ये तो हमारे देश में नहीं हो सकता है, ऐसी चीजें होने लगी हैं। अगर मैं एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करूं तो हमारे यहां आजादी के बाद जो नियम कायदे बने उसमें किसानों को बिचौलियों के हाथों में छोड़ दिया गया था। किसान कहां फसल बेच सकता है, कहां नहीं बेच सकता है, इस तक के नियम बहुत सख्त थे। किसानों के साथ दशकों से हो रहे अन्याय को दूर करने की इच्छा शक्ति हमारी सरकार ने दिखाई है। एपीएमसी एक्ट में बदलाव के बाद अब किसानों को भी उनके अधिकार हासिल होंगे। किसान अब जिसे चाहे, जहां चाहे और जब चाहे अपनी फसल अपनी शर्तों पर, किसान की शर्तों पर वो फसल बेच सकते हैं। अब कोई किसान अपनी फसल देश के किसी भी राज्य में ले जाकर बेच सकता है। पहले तो इस पर भी बंधन थे। साथ ही वेयरहाउसेस में रखे अनाज या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स अब इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग के जरिए भी बेचे जा सकते हैं। आप कल्पना कर सकते हैं इससे एग्री बिजनेसेस के लिए कितने नए रास्ते खुलने जा रहे हैं। साथियों, इसी तरह हमारे श्रमिकों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए लेबर रिफॉर्म्स भी किए जा रहे हैं। जिन नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में प्राइवेट सेक्टर को इजाजत ही नहीं थी उन्हें भी खोला गया है। आपका ध्यान इस पर भी गया होगा कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के रास्ते पर चलते हुए हम वो फैसले भी ले रहे हैं जिसकी मांग बरसों से हो रही थी। साथियों, दुनिया का तीसरा
वो देश जिसके पास बहुत बड़ी मात्रा में कोयले का भंडार हो, कोल रिजर्व हो, जिसके पास आप जैसे साहसी और उद्यमी व्यापार जगत के लीडर्स हो, लेकिन फिर भी उस देश में बाहर से कोयला आए, कोल इंपोर्ट हो, तो उसका कारण क्या है? आप भी जानते हैं, देश भी जानता है, कभी सरकार रुकावट बनी रही, कभी नीतियां रुकावट बनी रही, लेकिन अब कोल सेक्टर को इन बंधनों से मुक्त करने का काम शुरू कर दिया गया है। अब कोल सेक्टर में कॉमर्शियल माइनिंग को परमिट कर दिया गया है, पार्शली एक्सप्लोर्ड ब्लॉक्स को भी अलॉटमेंट करने की परमिशन दी गई है। इसी तरह मिनरल माइनिंग में भी अब कंपनियां एक्सप्लोरेशन के साथ साथ माइनिंग का काम एक साथ कर सकती है। इन फैसलों के कितने दूरगामी परिणाम होने वाले हैं, ये इस सेक्टर से परिचित लोग अच्छी तरह जानते हैं। साथियों, सरकार जिस दिशा में बढ़ रही है, उससे हमारा माइनिंग सेक्टर हो, एनर्जी सेक्टर हो, या रिसर्च और टेक्नोलॉजी हो, हर क्षेत्र में इंडस्ट्री को भी अवसर मिलेंगे और यूथ के लिए भी नई अपॉर्चुनिटीज खुलेगी। इस सबसे भी आगे बढ़कर अब देश के स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में भी प्राइवेट प्लेयर्स की भागीदारी एक रियलिटी बन रही है। आप चाहें स्पेस सेक्टर में निवेश करना चाहें, एटॉमिक एनर्जी में नई अपॉर्चुनिटीज को तलाशना चाहें, पॉसिबिलिटीज आपके लिए पूरी तरह से खुली हुई हैं, हर अवसर आपका इंतजार कर रहा है। साथियों, आप ये भली भांति जानते हैं कि एमएसएमई सेक्टर की लाखों यूनिट्स हमारे देश के लिए इकोनॉमिक इंजन की तरह हैं। इनका देश की जीडीपी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है और ये कंट्रीब्यूशन करीब करीब 30% का है। एमएसएमईज की डेफिनेशन स्पष्ट करने की मांग लंबे समय से उद्योग जगत कर रहा था, अब वो उद्योग जगत की पूरी मार्ग भी पूरी हो चुकी है। इससे एमएसएमईज बिना किसी चिंता के ग्रो कर पाएंगे और उनको एमएसएमईज का स्टेटस बनाए रखने के लिए दूसरे रास्तों पर चलने की जरूरत नहीं रहेगी। देश के एमएसएमईज में काम करने वाले करोड़ों साथियों को लाभ हो, इसके लिए 200 करोड़ रुपए तक की सरकारी खरीद में ग्लोबल टेंडर्स को खत्म कर दिया गया है। इससे हमारे छोटे उद्योगों को ज्यादा अवसर मिलेगा। एक तरह से आत्मनिर्भर भारत पैकेज एमएसएमई सेक्टर के इंजन के लिए फ्यूल का काम करने वाला है। साथियों, ये जो फैसले हैं, उनकी रिलेवेंस समझने के लिए आज की ग्लोबल सिचुएशंस को देखना और उसे समझना भी बहुत आवश्यक है। आज विश्व के तमाम देश पहले की तुलना में एक दूसरे का साथ और अधिक चाहते हैं।
देशों में एक दूसरे की जरूरत और ज्यादा पैदा हुई है, लेकिन इसी के साथ ये चिंतन भी चल रहा है कि पुरानी सोच, पुरानी रीति नीति, पुरानी पॉलिसीज क्या आज कारगर होगी क्या? स्वाभाविक है कि इस समय नए सिरे से मंथन चल रहा है और ऐसे समय में भारत से दुनिया की अपेक्षा, एक्सपेक्टेशंस और बड़ी है। आज दुनिया का भारत पर विश्वास भी बढ़ा है और नई आशा का संचार भी हुआ है। आपने भी देखा है कि कोरोना के संकट में जब किसी देश के लिए दूसरे की मदद करना मुश्किल हो रहा था, हर कोई अपने को संभालने में लगा था, ऐसी संकट की घड़ी में भारत ने 150 से ज्यादा देशों को मेडिकल सप्लाई भेजकर उनके लिए मानवीय मदद का काम किया है। साथियों, वर्ल्ड इज लुकिंग फॉर ए ट्रस्टेड रिलायबल पार्टनर। भारत में पोटेंशियल है, स्ट्रेंथ है, एबिलिटी है। आज पूरे विश्व में भारत के प्रति जो ट्रस्ट डेवलप हुआ है, उसका आप सभी को, भारत की इंडस्ट्री को पूरा फायदा उठाना चाहिए। ये आप सभी की जिम्मेदारी है, सीआईआई जैसे संगठनों की जिम्मेदारी है कि मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया के साथ ट्रस्ट, क्वालिटी, कॉम्पिटिटिवनेस तीनों जुड़ा हो। आप दो कदम आगे बढ़ाएंगे, सरकार चार कदम आगे बढ़कर आपका साथ देगी। प्रधानमंत्री के तौर पर मैं आपको भरोसा दे रहा हूं कि मैं आपके साथ खड़ा हूं। भारतीय उद्योग जगत के लिए ए राइज टू द ओकेजन की तरह है। ट्रस्ट मी, गेटिंग ग्रोथ बैक इतना मुश्किल भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि अब आपके पास, इंडियन इंडस्ट्रीज के पास एक क्लियर पाथ है, आत्मनिर्भर भारत का रास्ता, सेल्फ रिलायंट इंडिया का पाथ। आत्मनिर्भर भारत का मतलब है कि हम और ज्यादा स्ट्रांग होकर दुनिया को एम्ब्रेस करेंगे। आत्मनिर्भर भारत वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ पूरी तरह इंटीग्रेटेड भी होगा और सपोर्टिव भी। लेकिन ध्यान रखिएगा, आत्मनिर्भर का मतलब ये भी नहीं है कि हम स्ट्रैटेजिक क्षेत्रों में किसी पर निर्भर रहे। हम उस स्थिति में नहीं रहना चाहते। इट इज अबाउट क्रिएटिंग स्ट्रांग एंटरप्राइज इन इंडिया, एंटरप्राइजेस दैट कैन बिकेम ग्लोबल फोर्सेस। इट इज अबाउट जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट। इट इज अबाउट एम्पावरिंग अवर पीपल टू कम आउट एंड क्रिएट सॉल्यूशंस that can define the future of our country. हमें एक ऐसी robust local supply chain के निर्माण में invest करना है जो global supply chain में भारत की हिस्सेदारी को strengthen करे। इसी अभियान में CII जैसी दिग्गज संस्था को मुझे लगता है आपको भी post corona नई भूमिका में आगे आना होगा। अब आपको चैंपियंस ऑफ इंडिजिनस
इंस्पिरेशंस बनकर आगे आना है। आपको डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज की रिकवरी को फैसिलिटेट करना है, नेक्स्ट लेवल ग्रोथ को असिस्ट करना है, सपोर्ट करना है। आपको इंडस्ट्री को, अपने मार्केट को ग्लोबली एक्सपांड करने में मदद करना है। साथियों, अब जरूरत है कि देश में ऐसे प्रोडक्ट्स बने जो मेड इन इंडिया हो, मेड फॉर द वर्ल्ड हो। कैसे हम देश का आयात कम से कम करें, इसे लेकर क्या नए लक्ष्य तय किए जाएं, उस पर सोचने की जरूरत है। हमें तमाम सेक्टर्स में प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए अपने टारगेट तय करने ही होंगे। यही संदेश मैं आज इंडस्ट्री को देना चाहता हूं और देश यही अपेक्षा भी आपसे रखता है। साथियों, देश में मैन्युफैक्चरिंग को, मेक इन इंडिया को रोजगार का बड़ा माध्यम बनाने के लिए आप जैसे तमाम इंडस्ट्री के संगठनों से चर्चा करके ही कई प्रायोरिटी सेक्टर्स की पहचान की गई है। इनमें से फर्नीचर, एयर कंडीशनर, लेदर एंड फुटवेयर, इन तीन सेक्टर्स पर काम शुरू भी हो चुका है। सिर्फ एयर कंडीशनर को लेकर ही हम अपनी डिमांड का 30% से अधिक इंपोर्ट करते हैं। इसको हमें तेजी से कम करना है। इसी तरह दुनिया का दूसरे सबसे बड़ा लेदर प्रोड्यूसर होने के बावजूद ग्लोबल एक्सपोर्ट में हमारा शेयर बहुत कम है। साथियों, कितने ही सेक्टर्स हैं जिसमें हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। बीते सालों में आप सभी साथियों के सहयोग से ही देश में वंदे भारत जैसी आधुनिक ट्रेनें बनी हैं। देश आज मेट्रो के कोच निर्यात कर रहा है। इसी तरह मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग हो, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हो, अनेक क्षेत्रों में इंपोर्ट पर हमारी डिपेंडेंस को कम करने का प्रयास लगातार चल रहा है। और मैं बहुत गर्व से कहूंगा कि सिर्फ 3 महीने के भीतर ही पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पीपीई, इसकी सैकड़ों करोड़ की इंडस्ट्री आप ही लोगों ने खड़ी की है। 3 महीने पहले भारत में एक भी पीपी नहीं बनती थी। आज भारत एक दिन में 3 लाख पीपीई किट बना रहा है, तो ये हमारे उद्योग जगत का ही सामर्थ्य है। आपको इसी सामर्थ्य का इस्तेमाल कर हर सेक्टर में आगे बढ़ना है। मेरा तो सीआईआई के तमाम साथियों से ये भी आग्रह है कि रूरल इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट और किसानों के साथ पार्टनरशिप का रास्ता खुलने का पूरा लाभ आप लोगों ने उठाना चाहिए। अब तो गांव के पास ही लोकल एग्रो प्रोडक्ट्स के क्लस्टर्स के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है। इसमें सीआईआई के तमाम मेंबर्स के लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज है। साथियों, फार्म हो, फिशरीज हो, फूड प्रोसेसिंग हो, फुटवेयर हो, फार्मा हो, अनेक सेक्टर्स में अनगिनत अपॉर्चुनिटीज के गेट आपके लिए खुले हैं। सरकार ने शहरों में प्रवासियों के लिए आवास उपलब्ध कराने के लिए जिस रेंटल स्कीम की घोषणा की है, उसमें भी
आप सभी साथियों को मैं सक्रिय भागीदारी के लिए आमंत्रित करता हूं। साथियों, हमारी सरकार प्राइवेट सेक्टर को देश की विकास यात्रा का पार्टनर मानती है। आत्मनिर्भर भारत अभियान से जुड़ी आपकी हर आवश्यकता का ध्यान रखने के लिए भारत सरकार प्रतिबद्ध है। आपसे, सभी स्टेक होल्डर्स से मैं लगातार संवाद करता हूं और यह सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आई रिक्वेस्ट यू टू कम अप विद अ डिटेल्ड स्टडी ऑफ एवरी सेक्टर, बिल्ड कॉन्सेंसस, डेवलप कंसेप्ट, थिंक बिग। वी विल टुगेदर टेक अप मोर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स दैट विल चेंज द कोर्स ऑफ अवर कंट्री। वी विल टुगेदर बिल्ड आत्मनिर्भर भारत। साथियों, आइए देश को आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प लें। इस संकल्प को पूरा करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दें। सरकार आपके साथ खड़ी है। आप देश के लक्ष्यों के साथ खड़े होइए। आप सफल होंगे, हम सफल होंगे तो देश नई ऊंचाई पर पहुंचेगा, आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार होगा। एक बार फिर सीआईआई को 125 वर्ष पूरा होने पर मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।